गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज का जो वीडियो है ये विंटर डाइट प्लान वीडियो है। आप में से बहुत लोगों का डीएम और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं विंटर डाइट प्लान लेके आने के लिए। वैसे तो मैं नवी मुंबई में रहती हूँ, मुंबई में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, बट इस बार यहाँ भी अच्छी खासी ठंड हो रही है कंपैरेटिवली। तो पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जो बहुत ज़्यादा लोग जो नॉर्थ साइड से है एंड आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत जन मुझे देखते हैं, तो उन लोगों के लिए विंटर्स डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि उनके वहाँ ज़्यादा ठंड होती है और बहुत लोगों को चाहिए थी ये डाइट। मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि ये ठंड में बहुत भूख लगती है तो कुछ हेल्दी ऑप्शंस दो जिससे हम खा भी पाए ठंड की वजह से और वेट भी गेन ना हो। तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूँ जहाँ विंटर्स में वो बहुत सारी मील्स इंजॉय कर सकते हैं पर वेट लॉस करते करते। यही तुम लोग का क्वेश्चन था कि दीदी विंटर्स में भूख इतनी क्यों लगती है, तो मैं ये आंसर आप लोगों को आज देना चाहती हूँ। विंटर्स में भूख इसलिए लगती है क्योंकि हम विंटर्स में हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, ठंड के कारण हमारी बॉडी ठंडी सी रहती है, तो जो हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं ना वो फंक्शन फास्ट करने लगते हैं ताकि वो बॉडी में हीट कर पाए। हमारी बॉडी को एक नॉर्मल टेम्परेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट जब क्लाइमेट उतना नॉर्मल नहीं होता है तो हमारी बॉडी खुद फंक्शन करने लगती है जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो हमारे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाने के कारण हमें जल्दी जल्दी भूख लगती है और ज़्यादा मील्स हम कंज्यूम कर लेते हैं, और ठंड के मौसम में वैसे ही हम ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जल्दी से रात हो जाती है, जो दिन होता है वो छोटे हो जाते हैं, तो हम जल्दी जाके सो जाते हैं और जल्दी उठने भी नहीं होता है सुबह क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ठंड के मौसम में जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, उस वो भी एक कारण है कि हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती है तो हम वेट गेन कर लेते हैं और ऑलरेडी हमको ज़्यादा भूख लग रही है, हम ज़्यादा मील्स खा रहे हैं तो उस वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। तो आज आप लोगों के लिए जो डाइट आई है वो बहुत ही परफेक्ट है विंटर्स के लिए, और मैंने एक चीज़ का ध्यान देते हुए ये डाइट बनाई है कि मैं इस वो सब चीज़ों से डाइट आप लोगों के साथ में शेयर करूं जो विंटर सीजन का फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, जिससे आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और विंटर्स का आप इंजॉय भी कर पाओ, क्योंकि विंटर्स एक ऐसा सीज़न है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मेरे को रेनी सीज़न और विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ विंटर्स उतना नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको बोला क्योंकि, पर मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पर रेनी सीज़न उतना ही अच्छा होता है जितना आपके यहाँ पर विंटर्स होता है। तो ये दोनों सीज़न मुझे बहुत पसंद है और मैं हूँ पंजाबी तो नॉर्थ वॉर्थ में आना जाना तो मेरा लगा रहता है, दिल्ली पंजाब वगैरह में आती रहती हूँ, तो मुझे पता है कि ठंड किस तरह की होती है एंड मैं इंजॉय करती हूँ इस ठंड को। डोंट वरी गाइस, आपके सामने जो डाइट आने वाली है उसमें आप प्रॉपर 5 to 6 मील्स खा सकते हो, बट मैंने आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शंस चूज़ किया है जिसमें आप 1 month में कम से कम 5 से 6 kilo तो कम कर सकते हो। विंटर्स में एवरी मंथ 5 से 6 kilo कम होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है क्योंकि ना आप ज़्यादा स्वेट करते हो, ना आप ज़्यादा काम करते हो और आप ज़्यादा मील्स खा रहे हो। स्टिल अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 5 से 6 kilo कम होगा 1 महीने में विंटर डाइट में तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप इसको उतना ज़्यादा प्रॉपरली फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो भी, अगर आप ये हेल्दी ऑप्शंस ही यूज़ कर रहे हो तो भी कम से कम 3 kilo तो आपका कम हो जाना चाहिए। और जहाँ तक वर्कआउट की बात है, ठंड के टाइम पे ऑब्वियसली ज़्यादा ही लोग होंगे जो जिनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है वो वर्कआउट हमेशा मिस करते होंगे, बट गाइस मैं वर्कआउट को लेके आप लोगों के साथ में ये बोलना चाहती हूँ कि ऑलरेडी क्लाइमेट बहुत ठंडा है एंड आपकी बॉडी भी बहुत लो टेम्परेचर में है, आपको एनीवेज गर्मी की ज़रूरत होती है, तो हीटर वगैरह यूज़ करने से अच्छा आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आपको जब भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ये सब मत करिए, जंप्स करिए, कम से कम 50-70 जंप्स एक टाइम पे करो। ऐसे करते करते आपको अगर टाइम नहीं है प्रॉपर वर्कआउट सेट्स करने के, वैसे तो मैंने होम वर्कआउट के वीडियोज़ दिए हुए हैं,
अगर आप प्रॉपर वो सब नहीं फॉलो कर पा रहे हो एंड ठंड के कारण आपकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं है, तो ये बेसिक है जो दो तीन आप वो कर सकते हो, जैसे कि जंपिंग जैक्स होती है, नॉर्मल स्किपिंग वाली जंप्स होती है, या फिर ऐसे ऐसे करके वो आप जो नी टच करते हो ऐसे, मतलब बहुत सारे वर्कआउट्स है जो जंपिंग पे बेस्ड है, जिससे आपका वेट लॉस भी होगा। ये आप ये इतनी अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप ये बेसिक वर्कआउट भी कर रहे हो, इससे आपके दो फायदे हैं, आपका वेट लॉस हो जाएगा और ठंड के मौसम में आपको ठंड भी कम लगेगी। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है मैंने आप लोगों को, ये वीडियो पॉज करो और अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है तो प्लीज़ 50 जंप्स करके आओ, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने वीडियो पॉज करके 50 जंप्स किए थे और आपको कैसा लगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। वेट लॉस में अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली बात तो कोई भी सीज़न हो, आपको जो मॉर्निंग ड्रिंक होती है ना वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका वेट लॉस पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं भी है, अगर आप एक हेल्दी लिविंग चाहते हो, तो भी सुबह उठते ही सबसे पहले एक ग्लास गर्म पानी ज़रूर हमें पीना चाहिए। हमें कोई हेल्थ इशू हो ना हो, हम मोटे हो ना हो, ये एक ऐसी चीज़ है, उठने के बाद एक बड़ा ग्लास गर्म पानी पीना, जिससे आपको ना कोई बीमारी हो सकती है एंड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये। तो विंटर्स के लिए मेरे पास 3-4 ऑप्शंस है जो आप मॉर्निंग ड्रिंक की तरह ले सकते हो। सबसे पहले आप ले सकते हो आंवला एंड हॉट वाटर। आंवला का लिक्विड आता है पतंजलि का, वो आप दो ढक्कन उसके कैपिंग देते हैं, वो दो ढक्कन विद अ लूक वार्म वाटर पी सकते हो। आंवला सीजनल फ्रूट भी हो जाएगा इस मौसम का एंड आपका वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल लूक वार्म वाटर। मैं आप लोगों को नींबू यूज़ करने नहीं बोलूँगी, क्योंकि लेमन खट्टा होता है एंड विंटर्स में अगर आप लेमन यूज़ करेंगे तो आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो लेमन नहीं, आप नॉर्मल लूक वार्म वाटर ले सकते हैं। एंड लूक वार्म वाटर से मेरा मतलब ये होता है आपकी आपकी मतलब बॉडी टाइप के हिसाब से आप कितना गर्म पी सकते हैं आप उतना गर्म पीजिए। लूक वार्म वाटर मतलब ये नहीं कि एकदम बेसिक गर्म पानी, आप अपने हिसाब से उसको गर्म कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उतना गर्म। एंड विंटर्स में गर्म पानी पीना बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में वैसी ठंड लग रही होती है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। जितना ज़्यादा हॉट वाटर पी सकते हो उतना ज़्यादा हॉट वाटर पीजिए, क्योंकि विंटर्स ही बेस्ट सीजन है जहाँ पे आप अपनी बॉडी को गर्म पानी दे सकते हो और आपकी बॉडी हैप्पीली उसको पिएगी, क्योंकि उसको उसी की ज़रूरत है। एंड दो ड्रिंक्स हो गई, द फर्स्ट है आंवला एंड हॉट वाटर, सेकेंड नॉर्मल हॉट वाटर, लेमन मत यूज़ कीजिएगा, आपको गले में प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड है ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी भी मैं यहाँ पे आपको एज अ अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक थोड़ा अवॉइड करने बोलूँगी। आंवला हॉट वाटर, ग्रीन टी एंड लूक वार्म वाटर, ये 3 ऑप्शंस है आपके अर्ली मॉर्निंग मील के लिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में आपको मैं अब जो बोलने वाली हूँ आप लोगों को लगेगा कि उससे वेट गेन होगा, मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ क्या है। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हो 1 स्वीट पटैटो एंड अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क। स्वीट पटैटो से वेट गेन नहीं होगा अगर आप उसको प्रॉपर क्वांटिटी में लोगे। स्वीट पटैटो में बहुत हाई फाइबर होता है एंड स्वीट पटैटो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। आप उससे अच्छी क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी में खाएंगे तो स्वीट पटैटो से आपका वेट गेन नहीं होगा। एंड अगेन स्वीट पटैटो इज़ अ सीजनल फूड, तो आप इंजॉय कीजिए बट उसको राइट क्वांटिटी में खाइए। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, उसको मैंने ब्रेकफास्ट में रखा है, तो आप तभी ही इंजॉय कीजिए, आपका वेट गेन नहीं होगा। फिर उसके बाद में मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए ऑप्शन देती हूँ बेसन, बार्ली, जवारी, ये सबका जो आटा होता है, इन सबका चीला बन सकता है, डोसा बनता है। इसका जो वीडियो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो बेसन का, बार्ली का, बाजरे का, इन सबका आप चीला बना के खा सकते हो, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। उसको आपका पेट भी एकदम से अच्छे से भर जाएगा उससे। आप उसमें बहुत सारे अनियन, टमाटोज एंड जो भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो वो डाल के एक हैवी डोसा टाइप बना सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है एंड विंटर्स में भी आप इंजॉय कर सकते हो उसको। एंड उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन है वो है ओट्स इडली। ओट्स वैसे ही काफ़ी हेल्दी होता है एंड इडली स्टीम खाओ इस मौसम में तो कितना मज़ा आता है। मैं ज़रूर वीडियो के बाद बहुत कुछ खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सब ये नाम सुन रही हूँ मैं तो। ओट्स इडली आप इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो
नो डाउट बॉयल एग्स इस विंटर में सीजन में बॉयल एग्स बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि ठंड का टाइम है यार, जो अंडे खाते हैं मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एग वाइट खाइए आप बॉयल करके, आपके लिए बहुत अच्छा है वो। एंड ये सब बाकी चीज़ें छोड़ के भी अगर आप दिन में एग वाइट खाओगे और ये सब चीज़ें की क्वांटिटी एकदम कम कम रखोगे तो भी आपके लिए तो बहुत बेस्ट है ये वेट लॉस करना। एंड साथ में लूक वार्म वाटर लीजिए। एंड तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए 2 मल्टीग्रेन ब्रेड्स एंड 2-3 बॉयल एग, या फिर किस भी तरह से आप एग बनाइए येलो को अवॉइड करके। तो ये है 3-4 ऑप्शंस ब्रेकफास्ट के लिए जो आप विंटर्स में अच्छे से इंजॉय कर सकते हो और बिल्कुल वेट गेन नहीं होगा। एंड हाँ, मैं आपको ब्रेकफास्ट में बोलना चाहूँगी 5 से 7 बादाम खाने हैं। विंटर्स में भीगे हुए बादाम मत खाइए, पूरा बादाम खाइए, क्योंकि बादाम गर्म होता है एंड बॉडी के लिए अच्छा है ये सीज़न में बादाम खाना। तो भिगा के नहीं खाना है गाइस, पूरा बादाम खाना है 5-7 ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हो उसको। एंड उसके बाद में आता है प्री लंच मील, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें आप प्री लंच मील ले सकते हो। तो प्री लंच मील में मैंने आप लोगों के लिए सीजनल फ्रूट्स रखे हैं एज लाइक पपाया, ऑरेंज, गवावा एंड एप्पल। एप्पल तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा, एप्पल बेस्ट फ्रूट है डाइटिंग के लिए। इसमें आपको मैंने गवावा, ऑरेंज और पाइनएप्पल का भी ऑप्शन दिया है, तो कोई भी एक छोटी क्वांटिटी में आप ये फ्रूट्स खा सकते हो प्री लंच मील की तरह। एंड उसके साथ में आप ऐड कर सकते हो 1 या 2 वॉलनट्स ऐड कर सकते हो। एंड हॉट वाटर एंड ग्रीन टी आपको हर एक मील के बाद लेनी है, और मील नहीं भी ले रहे हो तो भी अगर आप ऐसे ही बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो या फिर आपको प्यास लगी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी हॉट वाटर ही पीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपको ये विंटर्स में ये हॉट वाटर पीना इतना ज़्यादा। तो वॉलनट एंड बादाम दोनों गर्म होते हैं तो आप इंजॉय कर सकते हो और अपनी ठंड को दूर भगा सकते हो हेल्दी रहकर। सो गाइज, उसके बाद मैं चलते हैं लंच पे। तो लंच के लिए मैंने लिखा है मूंग दाल डोसा। जो मूंग दाल होती है उसका डोसा बनता है, इसमें भी आप बहुत सारे वेजिटेबल्स की फिलिंग करके एक हैवी डोसा बना सकते हो जिससे आपको अच्छा फील होगा खाकर। एंड ठंड के मौसम में मेथी और पालक और हमारे यहाँ जो खाते हैं सरसों का साग, ये बहुत ही अच्छे से मिलता है। तो ग्रीन वेजिटेबल्स है, आप अच्छे से इंजॉय कीजिए, वेट गेन नहीं होगा। बस आप यही ध्यान दीजिए कि उस पर आप बहुत सारा बटर नहीं डाल रहे हो, या फिर मक्के की रोज रोटी खा रहे हो उसमें बहुत सारा घी या फिर मलाई वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि नॉर्थ में ये मौसम में मक्के की रोटी और सरसों का साग हर एक घर में हर एक दूसरे दिन मिलता है। तो और हम पंजाबी लोगों की आदत होती है मक्खन पाओ, घी पाओ, उसको तेल में फ्राई करके खाओ। तो आप खा सकते हो मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, बस इतना ही आप मतलब ध्यान दीजिए कि ये जो घी और मक्खन है, मलाई है, ये सब आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खाइए जिससे आप अपने विंटर्स को सिर्फ इंजॉय करो पर विंटर्स को अपनी बॉडी पे प्रॉब्लम मत क्रिएट करने दो। तो आप इस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो भी हैवी मील्स खा रहे हो ना, वो आप लंच तक ही रखिए, डिनर में बहुत सिंपल एंड सटल होना चाहिए जिससे आपको फटाफट डाइजेस्ट हो। क्योंकि हम विंटर्स में, जैसे मैंने बोला, हम एक्टिविटीज़ बहुत कम करते हैं तो हैवी खाना खाना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, एंड वो भी इवनिंग के बाद, क्योंकि विंटर्स में वैसे ही दिन छोटे हो जाते हैं। एंड अगर आप इवनिंग के बाद हैवी मील खाएंगे तो वो ऑब्वियसली वेट गेन करेगा। एंड प्रॉब्लम यही है विंटर्स की कि शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और ज़्यादा भूख लगने लगती है, बट इतना थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ताकि आप हेल्दी विंटर्स रह पाए। और हॉट वाटर, हॉट वाटर, हॉट वाटर पी पी के अपना स्टमक एकदम फुल रखो और बॉडी फुल डिटॉक्स हो जाएगी। तो फिर लंच के लिए मेथी पालक का पराठा खा सकते हो, या फिर मक्के की रोटी और सरसों का साग खा सकते हो, या मल्टीग्रेन रोटी खा सकते हो, या फिर सिर्फ पालक और मेथी की एक अच्छी बड़ा बाउल आप ये अच्छी सब्जी बना के खा सकते हो। मेरी आदत है कि मैं, अब ऐसा हो गया है
क्योंकि मैंने बहुत टाइम कीटो डाइट किया, तो कीटो डाइट में हम लोगों को रोटी सब्जी नहीं, रोटी नहीं मिलती, चावल नहीं मिलते, सिर्फ सब्जी सब्जी खानी होती है। तो मैंने एक हैबिट बना ली है अपनी लाइफस्टाइल में कि अच्छा बड़ा बाउल सब्जी लेके बैठ के खाओ अच्छे से, जैसे पालक पनीर बनता है, मेथी बनती है, एकदम बेसिक वैसे ही अच्छे से बनती है वो। एंड मैं सिर्फ सब्जी इंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है एंड वेट गेन बिल्कुल नहीं होता है उससे। उसके बाद में ऑप्शन है दलिया या किनोवा पुलाव। दलिया एंड किनोवा बहुत ही सिमिलर होता है, आप इसके पुलाव बना सकते हो, वीडियो मेरे चैनल पे है, इसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के अच्छा टेस्टी यम्मी पुलाव बना सकते हो, जिससे आपकी राइस क्रेविंग जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। वेजिटेबल्स में अगेन हम गाजर, फ्लावर, मटर, ये सब जो सीजनल फूड है हमारे विंटर्स का, हम ये सब उसमें डाल के एक अच्छा सा पुलाव बना सकते हैं। गाजर, मटर और फ्लावर, ये सब ये सीजन में बहुत अच्छे आते हैं। तो सब खाना है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं खाना है। आप किनोवा और दलिया को पालक मेथी की खिचड़ी बना के भी खा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से ये चीज़ें, मैं जो चीज़ों का नाम ले रही हूँ ना, बस आप ये ध्यान दीजिए कि आप ये चीज़ें यूज़ करके अच्छी सी डाइट कर रहे हो। एंड गाइस प्लीज़ मुझे इग्नोर करना, मतलब वो जो पीछे बैकग्राउंड साउंड आ रही है ना, प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे आजू बाजू बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मे भी बीच बीच में ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी, मैंने बहुत अवॉइड किया। एंड मैं, आप देख रहे हो बैकग्राउंड भी चेंज है, क्योंकि मैं मम्मा के रूम में शूट कर रही हूँ, बट वो हर जगह थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। और उसके बाद में आप, जैसे कि मैंने वही बोला, कोई भी सब्जी और मल्टीग्रेन रोटी तो आप खा ही सकते हो, नहीं तो भी ये सीज़न में हमारे यहाँ ये मक्के की रोटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। एंड गाइस लंच में जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो स्पेशल ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा अलग ऑप्शंस रहता है। तो चिकन रोस्टेड, एग बॉयल, मटन, फिश, आप ये सब रोस्ट करके अच्छे से खा सकते हो। ये सब अच्छा हाई इन हीट होता है, तो ठंड के मौसम में आप खा सकते हो, बट अगर आप मटन, चिकन, फिश या फिर एग्स खा रहे हो, तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप साथ में कोई रोटी सब्जी या दाल, मतलब रोटी और चावल नहीं खा रहे हो। तो हेल्दी वे में आप अगर हाई प्रोटीन खाएंगे तो किसका वेट लॉस नहीं होगा। एंड चलते हैं इवनिंग स्नैक्स के लिए। गाइज मैंने हर एक मील के बाद यहाँ पे हॉट वाटर लिखा हुआ है, हॉट वाटर नहीं मिस करना है, मील के अलावा भी आपको हॉट वाटर जितना पीना है, पी सकते हो उतना पीना है हॉट वाटर। मैं अगर बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ हर एक मील के बाद, तो वो करना ही है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इवनिंग स्नैक्स की तरफ। इवनिंग स्नैक्स बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखा है मैंने, बेसिक रखा है, रोस्टेड पीनट्स, रोस्टेड चना, मूसली एंड हॉट मिल्क या फिर ओट्स एंड हॉट मिल्क, बट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है। एक छोटा सा बाउल भर के आप खा सकते हो, मूसली एंड ओट्स ऑप्शन है विद हॉट मिल्क। एंड उसके बाद में मैंने दिया है, या फिर आप नॉन वेजिटेरियन से तो आप 3 बॉयल एग वाइट खा सकते हो, एंड आप खजूर खा सकते हो जिसको डेट्स कहते हैं। खजूर भी बहुत हेल्दी होता है एंड विंटर सीजन में खाना ही चाहिए। तो वॉलनट्स, बादाम एंड खजूर, ये 3 ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने इन्वॉल्व किया है डाइट में, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है विंटर्स को लेकर। एंड आपको मैंने इवनिंग ड्रिंक भी दी है, तो आप इवनिंग ड्रिंक के लिए ग्रीन टी, कॉफ़ी, टी, खजूर बादाम का मिल्क, आप ये सब कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। आप इवनिंग में मिल्क टी ले सकते हो, क्योंकि ठंड के टाइम पे थोड़ा हॉट मिल्क पीना अच्छा होता है, तो आप इंजॉय कीजिए, बट क्वांटिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गाइज हम चलते हैं डिनर की तरफ। घर में मैंने आपको बहुत ही सिंपल ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, वेज सूप, चिकन सूप, सैलेड खा सकते हो, सैलेड्स है, एंड ब्राउन ब्रेड सैंडविच खा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा भूख है। बट आप डिनर में प्लीज़ यही ट्राई कीजिए कि आप सूप्स एंड सैलेड ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि दिन भर में हमने अच्छा खासा खा लिया है एंड हम खाना खा के जब सोने लगते हैं, तो हमें हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए। तो सूप्स एंड सैलेड्स बेस्ट ऑप्शन रहता है। एंड जो नॉन वेजिटेरियन से, उन लोग रोस्टेड चिकन एंड बॉयल एग्स खा सकते हैं, आप रोस्टेड पनीर खा सकते हो आपको वेजिटेरियन हो तो, बट ट्राई कीजिए कि आप अच्छा बिग बाउल सूप पी रहे हो, वेज हो तो वेज, नॉन वेज हो तो नॉन वेज, क्योंकि सूप विंटर्स में पीने के लिए बहुत मज़ा आती है, हमारी बॉडी के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ठंड लग रही होती है, गरम गरम सूप पी लो तो
काफ़ी अच्छा रिलीफ फील होता है. एंड हॉट वाटर पीना है हर एक मील के बाद. एंड बेड टाइम के लिए मैंने जिंजर हॉट वाटर दिया है. हमें कुछ भी नहीं करना है, गर्म पानी उबाल के उसमें थोड़ा जिंजर डाल के उसको उबालना है. जिंजर हमारे लिए विंटर्स में बहुत अच्छा है, आपको गले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे. एंड थोड़ा सा ठंड को भी वो कम करता है क्योंकि जिंजर गर्म होता है. तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने अपने माइंड में रखी थी विंटर्स के हिसाब से लेकर, कि विंटर्स में ये चीज़ों को कंज्यूम करना बॉडी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल वे में हम डाल सकते हैं. एंड कुछ गर्म चीज़ें जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है विंटर्स में. तो यही है, आप दिन भर में एक ग्लास गर्म दूध जिसमें बादाम खजूर ये सब ड्राई फ्रूट्स डाल के एक अच्छा दूध पी सकते हो. वेट गेन नहीं होगा अगर आप उसको बिफोर इवनिंग ले रहे हो. तो एंजॉय करो विंटर्स. मुझे कैसे लगी ये डाइट कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना. एंड जंप किया था तो भी कमेंट करना. एंड ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आप इन विंटर्स को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करेंगे मेरी ये डाइट के बाद. एंड वेट लॉस आपका ज़रूर होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई विल बी बैक विद मोर वीडियोज फॉर यू गाइज सुपर सून. टिल दैट टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम. बाय गाइज, टेक केयर, हैप्पी विंटर्स, स्टे cozy. Bye.